ॐ श्रीं क्लीं ऐं वरं बं बं हं शं तं पं वं बं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं धीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां त्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमुर्ते भगवती श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थ्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णा मानो नभने परिशनि करु ऐशे विमले परिणाम होते अशुभ नशि शुभ बंधते विधि अशुभ नशि शुभ बंधते अविशर्म शव विधि त्राश। बोले चैतन्य चमत्कारी 1008 मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। विश्व वंदनीय आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरहे सागर जी महाराज की जय। बंधु आप देख रहे हैं शाश्वत तीसरा सम्मेलन शिखर की दिव्य तलहटी में स्थित गुणायतन से नित्य प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में। और आप भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं गुणायतन में परम पूज्य मुनि श्री के मंगल सानिध्य में महाविजय अक्षरों के साथ होने वाली शांति धारा में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर। और गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है उनमें जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र सुरेंद्र, पाटनी साह परिवार निखार वाली, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्री विजय मंजू गगन केटियारू, गौरव नेहल चांदनी जी जैन साह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कमर कबरीलाल जी सेठी, सुमेनमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अरल, विनीत, रितिका, विवांद, ऋतु, सुधीर, हार्दिक, समाज चुड़ीवाल सेठी एवं छाबड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकित, अमिता, मनस्वी, निविद्या, गुनगुन सरापसा परिवार, गन्नौर से श्रोमणि संरक्षक श्रीमती राज दुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभमुक्ति जी जैन सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमला, पुत्र श्रेयान, श्री सी जी जैन सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष जी, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जी जैन सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणि संरक्षक श्री प्रेम, श्रीमती प्रमला, पुत्र श्रेयान, श्री सी जी जैन सा परिवार, नागपुर से श्रोमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया आदि, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर, युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज, बी एस आर ग्रुप सा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल मानवी, सिमरन, ईशान भी, अहिली, संभव जी जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश जी, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदनानी, वंदना, लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, कोलकाता से श्रोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, शराबगी सा परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिबीर फाउंडेशन सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, रतम, सौरभ जी काला सा परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से श्रोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणि संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणि संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जी, विमल किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन सा परिवार, इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश निधि, बान्य व्योम, मेघराज, सोहनलाल कासलीवाल सा परिवार,
मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जी, विमल राजकुमार शोभा, विक्रम सारिका, विकास आशिका जी जैन, सह परिवार भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्र वधु सपन, ममता विकास, प्रतिभा अंशुल सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री गंजवासोदास से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, ज्यांशी जैन, सह परिवार गंजवासोदास, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला, परिवार से सुनील राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला, सह परिवार आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महक, रम्यक, जैन, चांदी वाला परिवार, गुड़गांव से श्रोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन, सह परिवार सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरियंत, तेजस, श्रीमती छाया, सरोज जी जैन, सह परिवार नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, भारिल, स्वाति, साकर, श्रेया, मवांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान, गुप्ता, सह परिवार सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती प्रेमला जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा जी जैन समेत उपकार परिवार जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्रीमती श्री अरविंद जी, श्रीमती सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, वीरम, अनिशी जैन समस्त राजा परिवार टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू एवं समस्त सतवैया परिवार कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी जैन, प्रेम इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहंत, अक्षत, अर्हन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशिला जी, एकता, अरुण कुमार, विद्युत वर्षिका जी जैन, सह परिवार गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमरमल पन्नाला जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला परिवार मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आर पी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत मयूरी, भरत पारस जी जैन, सह परिवार यूएसए ह्यूस्टन, यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, रीना आदि, अभी अंजू आदि, अभिरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता, सह परिवार कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमत देवी, निर्मल, बीड़ा विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरावगी, सह परिवार कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री चिंतामणि सवाईला जी जैन, सह परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धि, प्रीति, आदित्य, नित्या जी जैन समस्त स्वागानी परिवार जापान वाले रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री अजय, श्री पदमचंद जी, राज, प्रियल, गुणांश पहाड़िया, सह परिवार किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कमरलाल जी, अशोक, सुशीला पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, बान्य, अरिहन जी, पाटनी, आर के मालवर, सह परिवार झुमरी जिन्होंने मासिक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, झुमरी तलैया कोडरमा से श्रीमती आयुषी जी के गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नैमी देवी झांझरी, सुरेश जी, नरेंद्र जी झांझरी, बीणा जी, प्रेम जी, मयंक जी, रिद्धि, अरहंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक, रविजा झांझरी, सह परिवार वडोदरा से इंद्रवर्धन, चुन्नीलाल घिया, नीलेश सौभाग्यवती, स्वाति, पुत्र अनीसी, पुत्र अनीस एवं समस्त घिया परिवार कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, पिंकी, कोसाग, लवन्या, भव्य, तक्ष एवं समस्त जोड़ीवाल परिवार बीना से आदित्य, शशि जी, सचिन, स्वाति, आशीष, अनिता, संजय, मिली जैन एवं समस्त मिठिया परिवार जयपुर से सुशील कुमार, मुकेश जी, सीमा, अभिषेक, श्वेता, अभियंत, कार्विका, साम्य, आकर्ष, वीरांश जैन समस्त रानी बाला परिवार इन सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। हम परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग चरणों में बारम्बार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आज की शांति धारा करा कि हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो लोग नित्य शांति धारा के पुनर्जक हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का सुलाभ लिया है, विशेषतया बैतूल से राहुल जी लोहाड़िया, सिद्ध लोहाड़िया, शतांश लोहाड़िया, श्रीमती मीनाक्षी लोहाड़िया परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से शमशाबाद से गुणायतन ट्रस्टी नेमीचंद जी जैन, श्रीमती सरोज जैन, अभिषेक जैन, नविता जैन, प्रक्षाल जैन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तीसरी ओर से गुणायतन ट्रस्टी विदिशा से प्रसिद्ध आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जैन, मातेश्वरी श्रीमती कमला देवी,
कमलाबाई, श्रीमती अनीता जैन, प्रिया, दिव्या, उदंक जैन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। पटना बिहार से निर्मल कुमार जी, संजय कुमार जी, अर्णव जैन, श्रीमती किरण, निहार का जैन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से आज शांति धारा करने वालों में सुभाष जी, श्रीमती पूनम जी जैन गुणायतन, प्रेमचंद जी जैन जो उनके पुत्र नीरज जैन के नित्य शांति धारा पुण्यायतक, प्रेमचंद जी जैन, संध्या जी जैन पुत्र नीरज जैन के जन्मदिवस के अवसर पर, और आज से मासिक शांति धारा के पुण्यायतक झुमरी तिलैया से कोडरमा से श्रीमती आयुषी के गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश जय, नरेंद्र झांझरी, बीना, प्रेम जी, मयंक, सिद्धि, अरिहंत, आयुषी देवांगना, ऋत्विक, सविता झांझरी परिणाम परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और साथ ही सिद्धार्थ जी काशलीवाल गुणायतन के प्रशासक, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने शांति धारा की विशेष भावना भाई है, विशेषतया कोटा से गुणायतन के संरक्षक सदस्य महावीर प्रसाद जी सेठी, जिनका आज जन्मदिन है, खंडोली खतौली वाले महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी सेठी परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नागपुर से देवेंद्र जी पाटोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य श्रीमती दीपा नव्या शावी शोभा वीरेन जैन परिवार, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अंजन कुमार देवोसले के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सौभाग्यवती सुनीता देवोसले परिवार। आज जन्मदिन के अवसर पर ही नागपुर से श्रीमती आकांक्षा जी के जन्मदिवस पर पारस सुरेंद्र, श्रीमती प्रतिभा राजेंद्र, विजय लक्ष्मी, आदित्य जैन परिवार। आकुड़ी महाराष्ट्र से सौभाग्यवती सुरेखा, अशोक लवाड़े के जन्मदिवस पर कमलाबाई लवाड़े, सौभाग्यवती सारिका, अजय, अनुष्का, विपुल जी परिवार। आगरा से श्रेयांश जी, दीक्षा जी के जन्मदिवस पर श्रीमती गजल जैन के गर्भस्थ शिशु रक्षा। रेवाड़ी से श्रीमती रसोरोज जैन के जन्मदिवस पर स्वर्गीय अभय सरस एकाग्र जैन परिवार। कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन के गर्भस्थ शिशु रक्षा। इंदौर से संस्थापक अनिल जी सूत वाले के स्वास्थ्य लाभ के लिए। सागर से राहुल मेघा जैन, सागर से नीरज पायल जैन, अमेरिका से डॉक्टर महेश मीनाक्षी जैन, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगंडा पाटिल, ललितपुर से श्रीमती संगीता जैन, चिरगांव से भारती जैन और दमोह से श्रीमती नीलम जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ शांति धारा का लाभ ले रहे हैं, जिनमें जयपुर से पुष्पा सोगानी, सचिन, नितिन, सम्यक अर्थ जैन सपरिवार और सागर से प्रेमचंद जी, ये हो गया, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ ले रहे हैं उनके उनके परिवार में, और जो परोक्ष रूप से इसके अनुमोदन कर रहे हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। ओम ह्रीम नमो हिंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वध्यायनम नमो लोए शब शाहूनम चतारी मूलमतामलम सिद्धामलम सावमंगलम केलीपनत्वधम मंगलम चतारी लोतमान तलोत्मा सिद्धालोत्मा सावलोत्मा केलीपनत्वधम लोत्म चतारी सनम भजामि ते सनम भजामि सिद्धेश सनम भजामि साव सनम भजामि केलीपनत्वम धम्मम सनम भजामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमरते भगवते प्रच्छिन्नाशे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदवदो विनाशनाय सर्वछाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं रौं रस या उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुपट कीटिं कीटिं घाते घाते प्रविघ्नान स्फुटे स्फुटे सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन्न छिन्द परमंतान भिन्न भिन्न छ छ ह्रूंपट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम श्रिया उषानाद विद्याय नमो रिंतानम रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम अहरां श्री ह्रीं आहुरूं उहुरौं साहर जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक्तोर सत्पातिहार मणिता अशोक्तोर सत्पातिहार सोनपदाय लर्मी विजाय सर्वदोषांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु।
ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पिषत प्रातियान्मणिताय सुरपुष्पिषत प्रातियार सोनभद्रपदाय मृद्विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनिषत प्रातियान्मणिताय दिव्यध्वनिषत प्रातियार सोनभद्रपदाय मृद्विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत प्रातियान्मणिताय चामरोत्तोलन सत प्रातियार सोनभद्रपदाय मृद्विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु रोदो शांति कराय नमः सर शांतिम गुरु गुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभी सत प्रातियार मृताय दुंदुभी सत प्रातियार सोमन प्रतपदाय स्मृत विंबिजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम गुरु गुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातियान्मणिताय छत्तर सत प्रातियार सोनभद्रपदाय कमलर विंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो कोटिबुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बीजबुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो संभिन्नोदारानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बनिद्धि पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो विज्जहरानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो चारणा सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो पन्नशमनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो दिट्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो उग्रतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोरगुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ह्रीम अरहम नमो घोर परकमानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणमं भयारी सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो जलो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो विठो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो सबो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो मन बलीनम सर्व शांतिर्भवतु। ह्रीम अरहम नमो बची बलीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खीर छवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो शप्पि छवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो महु छवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो अमी छवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो खीन महानशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बढ़मानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो लोए सब सिद्धाय जनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो भयवदो महदि महावीर बढ़मान बुद्धि ऋषिनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भयवदो बढ़मान सर सहस्रजष्टकम जलम तम गच्छई आयासम पायालम लुयानम भूयानम जुया विवाद वार नंगने वा थमने वा मोहने वा सब जीव सत्तानम पर आज दो भवतु मे रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु सदा संतु सदास्तु सद्धर्म श्री वलायुर आरोग्येश्वरी अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं करो तो शांति। नाथ भगवान की दोनों हाथों को उच्चारण करके मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की
आइएगा प्रातःकालीन मंगलमयी बेला और हम प्रातःकालीन मंगलमयी प्रवचनों के लिए पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अलमो अरिहंतारम् नमो अरिहंतारम् सिद्धानम् नमो सिद्धानम् पंचिनमो यारो सव पाव पनाशिनो मंगलारं च सवेशिं मंगलारं च सवेशिं पढ़ेमं हो मंगलम पढ़ो मम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। इस संसार में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति का अभाव है, जो मूक है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति तो है पर उन्हें उनके पास भाषा नहीं। इस धरती पर केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो न केवल वाक शक्ति से संबद्ध है अपितु उसके पास एक सशक्त भाषा भी है। एक इंद्रियों के पास बोली ही नहीं, दो इंद्रिय से लेकर पशु पक्षियों के पास बोली तो है पर भाषा नहीं। उस अर्थ में हम मनुष्य कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास वाणी है और भाषा है। आज हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए कितने स्वतंत्र हैं, बहुत आसानी से अपने मन के भावों को किसी के पास भी पहुंचा देते हैं। ये कितना दुर्लभ है इसका एहसास प्राय लोगों को कम होता है। वाणी की दुर्लभता का एहसास केवल उन्हें होता है जिनकी वाक शक्ति अवरुद्ध हो जाती है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनके पिताजी पूरे जीवन गाली गलौज किया करते थे, उनकी वाणी में रंचमात संयम नहीं, सीधी मुंह किसी से बात ही नहीं करते। लेकिन आप सब सुनकर के
एकदम मर्माहत हो जाओगे। उस व्यक्ति के कर्म का ऐसा उदय आया कि अपने जीवन के आखिरी 3 साल तक मुख से कुछ बोल भी नहीं पाया। अब सोचो, इच्छा हो रही हो और बोल ना पाए, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? संत कहते हैं जो अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है उसकी वाक् शक्ति कुंठित हो जाती है, आज हो या कल। तुम्हारे पास वाणी की ये शक्ति मिली है, इसका सदुपयोग करो। और आज का विषय इसी से संबद्ध है, व्यर्थ भाषण से बचो। जैसे आप अपने पैसों के विषय में बहुत सावधान रहते हो, फालतू खर्चा नहीं करते, अपने समय के प्रति भी बड़े गंभीर रहते हैं, फालतू समय की बर्बादी नहीं करते, वैसे ही हमें अपने वचनों के प्रति भी सावधान होना चाहिए, फालतू बातों से बचना चाहिए। लेकिन लोग हैं कि बस बोलते हैं तो बोलते ही रह जाते हैं, उसके आगे पीछे का कुछ सुनना नहीं चाहते। क्या कहा जा रहा है गुरल काव्य में? हमारे व्यर्थ के वचनों से बचने के लिए देखिए, निरर्थक शब्दों से जो अपने श्रोताओं में उद्वेग लाता है वह सबके तिरस्कार का पात्र है। निरर्थक शब्दों से जो अपने श्रोताओं में उद्वेग लाता है वह सबके तिरस्कार का पात्र है। आगे कहते हैं, अपने मित्रों को दुख देने की अपेक्षा भी अनेक लोगों के आगे व्यर्थ की बकवाद करना बहुत बुरा है। और फिर लिखते हैं, जो निरर्थक शब्दों का आडंबर फैलाता है वह अपनी अयोग्यता को ऊंचे स्वर से घोषित करता है। आप बोलते हो, पर बोलते समय हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं और हमें कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना है, किससे बोलना है, किस संदर्भ में बात करना है और कितना बोलना है, इसका ख्याल यदि मनुष्य के मन में उतर जाए तो उसके जीवन में स्वाभाविक वाक शुद्धि होगी, वाक संयम होगा। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे बोलना आता है सो बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल दूँ। आप लोग सुनना पसंद करोगे? यहाँ वहाँ की बातें करूँ, किसी का कोई तुकतान न रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी बीबीसी लंदन कभी शिलोंग लगा दूँ, बोलो सुनना पसंद करोगे? क्या हो गया? नहीं महाराज जी, कोई भी यदि जो कुछ भी बोलेगा उसको कोई सुनना पसंद नहीं करता। बकवादी व्यक्ति अपनी प्रासंगिकता को खो देता है। अधिक बकवाद क्यों? उतना ही बोलो जितना जरूरी है। तो क्या बोल रहे हैं? मैं जब बोलता हूं तो इस बात का सबसे पहले ख्याल रखता हूं, मुझे क्या बोलना है। और ये अभ्यास है सो बोलते समय ही मेरे ध्यान में आ जाता है, पहले से कोई मानसिकता नहीं रहती। लेकिन क्या बोलना है, जो बोलना है, जिस संदर्भ में बोलना है, जैसे बोलना है वैसे ही बोलना, और जितना बोलना उतना ही बोलना है। अगर इन बातों का ख्याल न रखूं तो आप लोगों के ऊपर कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा क्या? तो जब मेरे वचनों का आप पर असर नहीं पड़ेगा तो आपके व्यर्थ वचनों का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा,
पर उल्टा असर पड़ेगा। क्या उल्टा असर पड़ेगा? क्या बात कह रहे हैं कि जो निरर्थक शब्दों का आडंबर फैलाता है वो अपनी ऊंचे स्वर में अपनी योग्यता को अयोग्यता को प्रकट करता है। बोल रहे सो बोले ही जा रहे। ये नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं सबसे पहले बोलने के पहले सोचो। कर्कश शब्दों का प्रयोग, कठोर शब्दों का प्रयोग, मर्म घाती शब्दों का प्रयोग और हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग कभी मत करो। कर्कश, कठोर, मर्मघाती या अप्रिय और हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग कभी मत करो। आप बोलते समय ध्यान रखते हैं? कर्कश, तीखा, अबे तबे कहकर ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करोगे, कौन सुनेगा? ऐसे शब्द जो व्यक्ति को एकदम चुभ जाए, ऐसे वचनों का प्रयोग कौन करेगा? कठोर शब्द जिसमें अपशब्दों की बौछार हो, ऐसे वचनों का प्रयोग कौन सुनेगा? मर्मघाती, ऐसे शब्द जिसमें व्यक्ति को तो कहो कहो उसके साथ उसके कुनबे को भी लपेट लो, तेरे बाप ने ऐसा ही सिखाया क्या? तेरा तो खानदान ही ऐसा है, तुमको क्या आता है? घर में बहू ने गलती की और संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? पूरे खानदान से। ये सब बड़े मर्मघाती शब्द होते हैं जो हृदय को विदारित कर देते हैं। ऐसे वचनों का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। मधुर बोलो, सौम शब्दों का, आह्लादकारी, प्रसन्नतादायक, प्रिय वचनों का प्रयोग करना चाहिए। हर शब्द में यदि मिठास का पुट हो तो वह हमारे जीवन में एक अलग प्रकार का निखार लाता है। वो मिठास होनी चाहिए। बोलने के पहले तौलिए क्या बोल रहे हैं। अक्सर लोगों का ख्याल आता है, अनुभव है कि बोल देते हैं, बाद में आता, अरे उस समय ध्यान नहीं रहा, मुंह से निकल गया, तो कमान से निकला तीर और जबान से निकले वचन लौट कर नहीं आते, इस बात को ध्यान में रखो। कदाचित तीर का घाव तो भर जाए, वाण का घाव भर जाता है, पर वाणी का घाव सदैव हरा होता है, क्योंकि वाणी का घाव वाण के घाव से भी तीक्ष्ण होता है। वाणी तो केवल वाण तो व्यक्ति के शरीर को वेधता है और वाणी व्यक्ति के हृदय को बीध देती है। हृदय का घात आघात बड़ा भयानक होता है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। कभी भी बोलते समय यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो हमसे कभी स्खलन नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो सब भूल जाता है। उसे ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उसे ये भी पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, उसे ये भी पता नहीं कि हमें क्या क्यों बोल रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं, और उसे ये भी पता नहीं कि हमें कितना बोलना है। बोल करके तो निकल जाता है पर जीवन भर पछताना भी पड़ता है, होता है। कहते एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता। आप किसी के यहाँ गए, उसने आपका आत्मीय स्वागत किया, बहुत अच्छा आतिथ्य किया, खूब बढ़िया भोजन पानी कराया और आप उसके व्यवहार से अभिभूत होकर उसकी प्रशंसा करने लगे, उसे धन्यवाद और देते हुए आभार प्रकट करने लगे। बोले क्या बताऊँ,
आपके इस आत्मीय आतिथ्य से मैं अभिभूत हूँ। आपने जैसा स्वागत किया वैसा कोई किसी का नहीं कर सकता। और भोजन की क्या बात बताऊँ, आपने जो भोजन कराया वैसा तो मैं आज तक नहीं किया। आपने जैसा भोजन कराया वैसा भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया। तू क्या, तेरा बाप भी नहीं किया होगा। अब बोलो क्या हुआ, अब क्या होगा, बोलो आग लगेगी कि नहीं। व्यक्ति वही, व्यवस्थाएं वही, सब कुछ वही, लेकिन एक वाक्य ने पूरा खेल बदल दिया है ना। तो क्या है, क्या बोल रहे हैं इसका ख्याल रखिए। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, हम क्या बोल रहे हैं। बोलने में संयम, किससे बोल रहे हैं, ये होश विवेक हो। मैं आपसे पूछता हूं, आप आम जनों से जैसी बात करते हैं वैसी बात हमसे करना पसंद करते हो क्या? क्यों नहीं। बोली वही, व्यक्ति वही, पर भाषा में परिवर्तन क्यों? क्यों? इसलिए कि आपके अंदर विवेक है कि गुरु के समक्ष हमें कैसा बोलना चाहिए। और जिस व्यक्ति का ये विवेक खो जाए वो होश हवास गंवा देगा, गुस्से में आएगा, कहो गुरु के सामने भी वो बोल दे जो नहीं बोलना। तो मतलब क्या है, यदि विवेक है तभी वचनों में संयम होगा। विवेक आवेग को नियंत्रित करता है। विवेक जगा के रखो, क्या बोलना है, किससे बोल रहे इसका ख्याल रखो। जब सामने वाले की गौरव गरिमा और महत्ता का आभास होता है, हमारा व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। तो संत कहते हैं, हर व्यक्ति के गौरव का ख्याल रखो, हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखो, हर व्यक्ति के महत्व को पहचानो। चाहे वो साधारण व्यक्ति भी क्यों ना हो, तुम्हारे घर का सेवक हो या तुम्हारे घर के पिता, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। बोलते समय हमें उसके दिल को दुखाने वाले वचनों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इतनी सावधानी रखो तो जीवन बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, रखते हो? क्या बोल रहे इसका ख्याल नहीं, किसे बोल रहे इसका तो थोड़ा बहुत ख्याल रहता है। जब सामने वाला अपने से भारी दिखता है तो हमारी भाषा में विनम्रता आ जाती। एक व्यक्ति चला जा रहा था, बरसात का समय था, एक स्कूटर निकली, उससे छींटे पड़े और छींटे उसके कपड़ों में पड़ गए, सफ़ेद कपड़े थे। जैसे ही कपड़े गंदे हुए, सामने वाला जोर से चला, ए अंधा है क्या? सामने वाले ने मुड़ के देखा तो देखा वो उस इलाके का रंगदार था। जैसे ही सामने वाला मुड़ा, देखा सामने वाला उस इलाके का रंगदार था। तो क्या बोलता है, बोले कुछ नहीं, पूछ रहा हूं आपको लगी तो नहीं। अब क्या हो गया, सामने वाले को देख के हवा खिसक गई, भाषा बदल गई। यदि व्यक्ति इतनी सी सावधानी रखे तो अपने बोली पर अंकुश रख सकता है, अपनी भाषा में बदलाव ला सकता है। हर व्यक्ति का महत्व समझिए और उस अनुरूप काम कीजिए। क्या बोलना, किसे बोलना, किस संदर्भ में बोल रहे हैं, वचनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण वचनों से जुड़े संदर्भ होते हैं। हम किस संदर्भ में बोल रहे हैं, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए।
व्यर्थ मत बोलिए, व्यर्थ की बातें मत कीजिए। आज आप देखिए, आप लोगों का समय कठोर शब्दों की बात तो है ही, अब शब्दों की बात तो है ही, कर्कश शब्दों की बात है ही, ये वचनों का संयम तो है अपने जगह, लेकिन व्यर्थ की बातों में आपका कितना समय जाता है, बोलो जाता है कि नहीं जाता है? और क्या है उसके यहाँ क्या हो रहा, उसके यहाँ क्या हो रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, उसके बहू का क्या हाल है, उसके बेटे का क्या हाल है, उसके परिवार में माता पिता का क्या हाल है, भाइयों का क्या हाल है, जेठ का, जेठानी का, इसका उसका, 17 नाते जोड़कर 17 बातें करते हैं, है ना? ये 17 बातें क्यों, क्या लेना और देना, ये व्यर्थ की ही तो बात है। तो व्यर्थ के बातों से बचो। और इसमें होता क्या है, कोई सार्थक बात होती है, कोई काम की बात होती है, या सार ही निरर्थक बातें, कौन सी बात होती है? समय बर्बाद होता है, चिंतन खराब होता है, हमारे संस्कार बिगड़ते हैं, लोगों के प्रति धारणा बदलती है, पूर्वाग्रह बन जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं, होता है? सुनते 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 दिमाग में बातें भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब हिसाब लगाओ क्या होता है, किसी से मिले शुरू हो गए तो शुरू हो गए। कई कई लोगों का तो ये होता है, मंदिर आते हैं, मंदिर में आकर के भी इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, जैसे तैसे समय निकाल कर मंदिर आए, पता लगा दरवाजे पर कोई मिल गया, यहाँ वहाँ की बातें करके आध घंटा खराब कर दिए, अब क्या टाइम नहीं है भगवान को केवल ढोक लगाए चले आए, होता है? एक संकल्प लीजिए कि मंदिर जी में मैं किसी से व्यर्थ की कोई बात नहीं करूँगा, पूजा पाठ से रिलेटेड बात करना है तो करूँ, बाकी कोई बात नहीं करूँगा, और यदि कदाचित करूँ भी तो जब तक भगवान का दर्शन पूजन न कर लूँ तब तक कोई की बात नहीं करूँगा, लौटते में भले कर लूँ। बच सकते हैं आप, ये प्रयोग आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फोन पर बातें चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, आजकल तो सब पैकेज वाला सिस्टम है, पैसों की चिंता नहीं है। पहले अच्छा था, थोड़ा सा बिल बढ़ता था, मीटर देख के आदमी रोक देता था, अब तो सब महीना आपका चल रहा है, अब जितनी बातें करना है सो कर रहे हो, और ये बताओ काम की कि बिना काम की? ये फालतू बात है ना, कुछ भी हो, कुछ भी हो, किसी से कोई बात करने के लिए लग जाओ। कई लोगों को कला खालीपन महसूस होता है, इससे बात करो, उससे बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो, मतलब क्या है ऐसी बातों से? फालतू बातें करना और फालतू बातें सुनना अपने जीवन को फालतू बना देना है। सुनो भी क्यों, और बताऊं आजकल आप लोगों के साथ क्या होता है, दिन भर आप लोग फालतू बातें सुनते हो और सुनाते हो। ये जितने आपके टीवी के खबरिया चैनल हैं उसमें क्या सुनाया जाता है, और किसी मुद्दे पर अगर बहस करने के लिए 4-6 को बिठाल दे तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, और आप उसको सुनकर अपना समय बर्बाद करते, उसका कोई सार है? वो तो प्रोफेशनल है, उनका काम है बैठना टीवी चैनल पर अपने विचार प्रकट करना, उनको उसके पैसे भी मिलते होंगे, तुमको क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे समय की बर्बादी, तुम्हारे संस्कारों की क्षति है कि नहीं है, बोलो। कोई भी मुद्दा आया उसमें बहस चालू हुई तुम चिपक के बैठ जाते हो, छोड़ते ही नहीं, बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? उतने कीमती समय के खराब करने से क्या मतलब? अरे कोई ऐसा मुद्दा है, ये बहस कर रहे उससे क्या होगा,
तुम उन चीज़ों को अपने विवेक से समझो और विवेक से समझकर अपना ओपिनियन बनाओ, ये तो समझ में आता है। और ज़्यादा अगर उस विषय में कुछ जानना चाहते हो तो जो उसके विशेषज्ञ हैं उनकी राय को सीधे समझ लो, इन लोगों की बहस में बैठने से क्या मतलब, क्योंकि वो तो जो कुछ भी बोलते हैं वो अपने पूर्वाग्रह के साथ बोलते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है, वो उस पर ही काम करते हैं। तुम्हें तो पहले से तय करके चलना चाहिए कि वो जिस पार्टी से संबद्ध है वो उसके ही पक्ष की बात करेगा। वो क्या बात करेगा, उस बहस से क्या सार। अगर लोग इतना विवेक का इस्तेमाल कर ले तो ये दिमाग चाटू प्रोग्राम कभी किसी को थोपे ही नहीं जाएंगे। पर क्या पता आप लोगों को भी चाटने और चटवाने में ज़्यादा आनंद आता है, या तो चाटते हो या अपना चटवाते हो। क्यों? अपनी बुद्धि को निखारो, उतने समय का सदवे करो, कोई अच्छे कार्य में करो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा लिखो, कुछ अच्छा सुनो, जिससे तुम अपने आप को अच्छा बना सको। व्यर्थ की बातों में कभी काम नहीं करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात लिखी, यदि व्यर्थ की बकवास अच्छे लोग भी करने लगे तो वे भी अपने मान और सम्मान को खो बैठेंगे। यदि व्यर्थ की बकवास अच्छे लोग भी करने लगे तो वे भी अपने मान और सम्मान को खो बैठेंगे। दूर मत जाओ, आज आप लोग मुझे इतना मान देते हो, अगर मैं ही उल्टी सीधी बातें करना लगूं तो फटकोगे क्या? कहोगे पता नहीं महाराज को क्या हो गया, लगता है कि कुछ खिसक गया। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कदाचित न बोल पाओ सामने तो भी दिमाग में तो ये धारणा बना लोगे। क्यों? इसी तरह जो व्यक्ति अनावश्यक बात करता है उसका जीवन अप्रासंगिक हो जाता है। उतना ही बोलिए जितना आवश्यक है, जितना अपेक्षित है, और जो बोलिए सार्थक बोलिए, सरस बोलिए, निरर्थक और कटुक वचनों के प्रयोग से मुक्त रहिए। जो ज्यादा बोलता है उसका कोई असर नहीं पड़ता, और जो कम बोलता है उसकी वजन में, बातों में अपने आप वजन रहता है। रहता है कि नहीं रहता? हाँ, तो अब बोलो क्या करना है, वजनदार बनना चाहते हो या अपना वजन मिटाना? शरीर का वजन तो तुम चाहे जितना बढ़ा लो, पर शरीर का वजन आजकल कोई बढ़ाना भी नहीं चाहता। अपने अंदर का, अपने व्यक्तित्व का वजन बढ़ाना चाहते हो तो गांभीर्य को लाओ अपने जीवन में, तब कहीं जाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। क्या बात कही आगे, जिसे निरर्थक बातों के करने की अभिरुचि है उसे मनुष्य ही नहीं मानना चाहिए, कदाचित उससे भी कोई काम आ पड़े तो समझदार आदमी उससे कचरे के समान ही काम ले ले। क्या बात लिखी है, मैं दोहरा रहा हूँ, जिसे निरर्थक बातों के करने की अभिरुचि है उसे मनुष्य ही नहीं मानना चाहिए, कदाचित उससे भी कोई आम काम आ पड़े तो उसे तो समझदार आदमी उससे कचरे के समान ही काम ले ले। यानी कचरा है, कोई काम का नहीं, किसी अर्थ का नहीं। हम क्यों ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़े, हम क्यों ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें, हम व्यर्थ की बकवाद में अपने आप को क्यों उलझाएं? ऐसी सावधानी यदि अपने मन में जग जाए, ठीक है। और आप लोग बोलते नहीं कचरा शब्द बहुत अच्छा है, कई लोग जो फालतू बोलते हैं ना तो क्या बोलते हैं, फालतू कचर कचर करता है, बोलते कि नहीं करते? ये कचर कचर कचरा उसी से बना है, जिसके बातों में कोई सार नहीं उसकी, उसका जीवन बेकार है। हम कचरा किसको मानते हैं,
जिसमें कोई सार नहीं होता, वेस्ट हो गया, उसे आपने कचरा बना दिया, जिसके वचनों में भी सार नहीं, वो भी कचरे के समान है। तो ऐसे फालतू बातें दिमाग में मत भरो। कहते दिमागी कचरा, क्या बोलते हैं? दिमागी कचरा। तो जिसके दिमाग में कचरा भरा रहता है वो कचरा ही भरता है। तो कहा जाता है न दिमाग में कचरा भरो, न दिमाग से कचरा किसी और को दो। अगर कोई इधर उधर की बातें बोलता है तो अपने दिमाग में उसको कचरा मान करके दूर रखो, और कभी किसी से बात करो तो कचरा फैलाने का काम मत करो, स्वच्छता बढ़ाने का काम करो, जिससे उसके मन की प्रसन्नता बनी रहे और वो अपने जीवन को अच्छा बना सके, ये प्रयास करना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, यदि समझदार को योग्य मालूम पड़े तो मुख से कठोर शब्द कह ले, क्योंकि वह निरर्थक भाषण से कहीं अच्छा है। कठोर शब्द से भी ज्यादा बुरा निरर्थक शब्द है। कठोर कह दिया चलेगा, पर बिना मतलब की बातें। कई लोग हैं जो बोलना शुरू होते हैं तो बस बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, उनका हिसाब किताब ही नहीं रहता। ऐसे आदमी के पास कोई फटकना भी पसंद नहीं करता, भैया ये अभी पकड़ लेगा तो छोड़ेगा ही नहीं, होता है। अरे सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप देखिएगा, जितने बड़े लोग होते हैं वो, उनसे जब आप बात करो तो वो उतनी ही बात करना पसंद करेंगे जितना आवश्यक है और अपेक्षित है, क्योंकि उनको काम से काम है। बिना मतलब की बातें वो नहीं करेंगे। आप अगर उनसे फोन में भी कॉल करोगे तो इधर उधर की बातें नहीं, सीधे टू द पॉइंट बात किए, काम खत्म। और दूसरे तरह के लोग हाँ, तो पहले तो भूमिका में ही समय निकाल लेंगे। अरे यार सुनो तो, और सुने तो, सुनो तो, सुनो तो, और क्या सुने, मतलब की बात करो, बात खत्म, और भी तो काम है। व्यर्थ संभाषण से बचना, सार्थक बोलने का भाव जगाना, तो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा। और उसी को हमें ध्यान में रखना है। कदाचित कठोर शब्द मुख से निकल जाए, निकल जाए, पर व्यर्थ वचनों का प्रयोग जीवन में कभी ना हो, ये सावधानी हम सबको रखना चाहिए। और अंत में ये कह रहे हैं, मुख से निकालने योग शब्दों का ही तू उच्चारण कर, परंतु निरर्थक अर्थात निष्फल शब्द मुख से मत निकाल। बस ये कमांड अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आज से मैं ये तय करूँगा, वैसे ही वचनों का प्रयोग करूँगा जो प्रयोजनी है, सार्थक है। मुझे सीमित बोलना है, सार्थक बोलना है, सुंदर बोलना है और अच्छा बोलना है। ये भाव अपने हृदय में जगा लीजिए तो आपके जीवन का पथ प्रशस्त होगा और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ होंगे। ये जागरूकता चाहिए, समझ गए? अपने मुख से निकलने वाले हर शब्द के प्रहरी बनिए, समझ गए? वाच कीजिए, वाच कीजिए, यानी वाच की स्पेलिंग क्या होती है? WATCH, है ना? वाच है, वाच का मतलब क्या? वाच योर वर्ड, वाच योर एक्शन, वाच योर थॉट्स, वाच योर कैरेक्टर और वाच योर हैबिट्स। अपने मुख से निकलने वाले हर शब्द पर नियंत्रण करो, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारे एक्शन में परिवर्तित हो सकते हो। अपने एक्शन पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही तुम्हारे विचार बन जाते हैं और फिर तुम्हारे विचार तुम्हारा चरित्र बन जाता है, चरित्र तुम्हारे आदत में परिवर्तित हो जाती है।
इसलिए हर शब्द पर नियंत्रण रखें और कभी मुख से ऐसा कुछ अनर्गल निकल जाए तो अपनी निंदा गढ़ा करके उससे बचने के लिए संकल्पित हो जाए, जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।